हिंदू धर्म में अगरबत्ती का एक विशेष महत्व है। हर घर में अगरबत्ती को पूजा पाठ के दौरान जलाया जाता है। पूजा पाठ में अगरबत्ती, कपूर या फिर धूप बत्ती जलाने की परंपरा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगरबत्ती को जलाने के लिए भी कुछ नियम है? ज्यादातर लोग हर दिन अगरबत्ती को यह सोचकर जलाते हैं कि इससे घर की सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों की माने तो हर दिन अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में अगरबत्ती जलाने को लेकर कई सारी बातें कही गई है। वास्तु शास्त्र की माने तो अगरबत्ती की सुगंध से घर में पॉजिटिविटी आती है और इससे घर में शांति बनी रहती है। लेकिन यदि गलत तरीके से या फिर ये दो दिन इसे जलाया जाए तो इसे शुभ शांति और धन की कमी हो सकती है। सनातन धर्म में बताया गया है कि सप्ताह के दो ऐसे दिन होते हैं जिस दिन अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों दिनों अगरबत्ती जलाना अशुभ माना जाता है। अक्सर लोग मानते हैं कि मंगलवार और रविवार को पूजा पाठ के दौरान अगरबत्ती का जलाना अच्छा होता है, लेकिन शास्त्रों की माने तो इन दो दिनों को अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। इससे घर की शांति भंग हो सकती है। इसके साथ ही घर में आर्थिक संकट भी गहरा सकता है। शास्त्रों में रविवार और मंगलवार को अगरबत्ती जलाना निषेध माना गया है। ऐसा मानते हैं कि इन दोनों दिनों ही बांस को जलाने से अशुभ होता है और अगरबत्ती की डंडी बांस से बनी होती है। इसी वजह से रविवार और मंगलवार को अगरबत्ती जलाने से बचना चाहिए। शास्त्रों की माने तो अगरबत्ती से अच्छा है कि आप धूप बत्ती का इस्तेमाल करें। बांस के जलाने से वंश हानि का खतरा बढ़ता है, इसलिए हवन, पूजा या किसी कार्य में बांस वाली अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप सुख शांति और माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो अगरबत्ती की जगह धूप बत्ती का उपयोग करें। इसके साथ ही लोबान जलाएं। लोबान जलाने से घर में पवित्रता आती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।